फ्री स्मार्टफोन वितरण को लेकर के एक नई अपडेट सामने आई है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्री स्मार्टफोन टैबलेट वितरण के लिए एक न्यूज आप सभी के समक्ष आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर वाराणसी मंडल के जो है कैंडिडेट हैं तो आप सभी को जो है इस दिन तक फ्री स्मार्टफोन टैबलेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर और कभी कहा आपके वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डेट दिखा देते हैं ताकि आप यहाँ पर कन्फर्म हो लें। डेट यहाँ पर आप 26 मार्च 2022 देख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे फ्री स्मार्टफोन। उसके बाद वाराणसी के छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। जैसे कि वाराणसी के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, जिले में जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार वादे अनुसार फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ जगहों पर अभी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट वितरण प्रक्रिया को रोक लगा दी गई थी, क्योंकि यूपी चुनाव को मद्देनजर देखते हुए तो जिन भी जगहों पर इसे रोका गया था उन जगहों पर अब यहाँ पर चुनाव और यहाँ पर शपथ ग्रहण करने के बाद उन सभी जगहों पर धीरे धीरे करके सारे स्मार्टफोन और टैबलेट को वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में ये जैसा कि यहाँ पर वाराणसी मंडल से निकल के खबर आई है, वाराणसी में जल्द शुरू होगा स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण, तैयारियों में लगे हैं वाराणसी के अधिकारी। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में रखा गया है सामान, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर वाराणसी में जेपी मेहता इंटर कॉलेज है वहाँ पर जो है स्मार्टफोन और टैबलेट आ करके रखे हुए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया सीएम पद के शपथ पत्र ग्रहण करने के साथ ही अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में वाराणसी में स्मार्टफोन और टैबलेट से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए शुभ संकेत है। विभाग से जुड़े अधिकारी की माने तो आगामी एक सप्ताह के अंदर या फिर सेमेस्टर एग्जाम के बाद छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि फिलअप हुए थे उन सभी का एग्ज़ाम चालू है और उनका एग्ज़ाम लगभग यहां पर ख़त्म भी होने वाला है। जिसे यहां पर वो एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे यहां पर एक हफ्ते के अंदर ही इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बहरहाल दोस्तों इसके ऑफिशियली डेट जैसे जारी होती है कि किस जगह पर वितरित होगा और किस डेट को वितरित होगा, इससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल से बने रहे ताकि जैसे ही हमें अपडेट मिले हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर सकें। वाराणसी के लगभग 1 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया जाना था, जिसमें ग्रेजुएट के लगभग 90,000 और पोस्ट ग्रेजुएट के 10,000 छात्र शामिल थे। इसके लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भी भेज दिए गए थे। जैसे कि हालांकि आप सबको यहाँ पर पता था उन समय जो है सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आता था कि आप जो है डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से इसमें फिर स्मार्टफोन टैबलेट के लिए चयनित हो चुके हैं। इस तरीके का मैसेज जो है सभी के मोबाइलों पर सेंड हुआ आता था। मोटे शुरू में आप यहां देख सकते हैं कि जेपी मेहता इंटर कॉलेज में रखा गया है स्मार्टफोन और टैबलेट। तो यहाँ पर देखेंगे शासन स्तर से आदेश का इंतजार है। जैसे ही यहाँ पर शासन आदेश आएगा उसके तुरंत पश्चात ही यहाँ पर इसकी वितरित डेट को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो ये जानकारी कुछ हेल्पफुल रही हो तो लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।